हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर सिखा रही हूँ। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने आपको कहा था कि आपको जो है वो वर्ड्स भी पता होने चाहिए कि किसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो मैं आपके लिए जो है वो एक यूनिक चीज़ लेकर आई हूँ। वो क्या है यूनिक चीज़ कि आपको मैं उर्दू से इंग्लिश में बताऊँगी कि इसको उर्दू इंग्लिश में क्या कहते हैं। एंड जस्ट बताऊंगी ही नहीं, मैं आपको वो पिक्चर भी दिखाऊंगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि एज अ डिक्शनरी विद पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर है टाउन की चीज़ें, यानी कि हमारे शहर में, देखिए ये टाउन है, इसका यहाँ पर शहर भी लिखा हुआ है कि हमारे शहर में जो चीज़ें होती हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा पहला है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और मैं कोशिश ये करूँगी कि प्रोनाउंसिएशन भी करेक्शन हो सके। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट यानी कि इश्तिहार। नंबर वन हमारा रहेगा, देखिए ये लिखा हुआ नंबर वन, ये दिया हुआ है बस के आगे जो है लगा हुआ है, तो आपको ये बताया गया है कि ये एडवर्टाइजमेंट है यानी कि इश्तिहार है। सेकंड ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा तो हमें पता ही है कि रिक्शे को ही कहते हैं। एंड थर्ड है हमारे पास बैंक, बैंक भी पता है हमें। बैनर, बैनर क्या होता है, जगह जगह पर जो है वो कपड़े के ऊपर लिख के रखा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर भी ये देखिए नंबर फोर, ये देखिए नंबर फोर बैनर। ठीक है, ये बैनर लगा हुआ है, बैनर को बैनर ही कहते हैं। एंड देखिए यहाँ पे लिखा भी इश्तिहारी झंडा या कपड़ा। ठीक है, नंबर फाइव है बैरो। अब ये बैरो क्या है, बैरो मीन्स ठेला, यानी कि आप ये रहा नंबर फाइव बैरो। ठीक है, यानी कि ठेले को जो है वो इंग्लिश में बैरो कहते हैं। नंबर सिक्स है बाइसिकल, यानी कि साइकिल हमें पता ही है। नंबर सेवन बस, हमें ये भी पता है। नंबर एट बस स्टॉप, बस स्टॉप कहते हैं या शेल्टर कहते हैं। ठीक है, तो बस स्टॉप या बस अड्डा। नंबर नाइन मोटर या कार, ठीक है, उसको हम मोटर या कार ही कहते हैं। नंबर टेन कार्ट, कार्ट यानी कि बैलगाड़ी, यानी कि बैलगाड़ी को जो है वो इंग्लिश में कार्ट कहते हैं। ठीक है, नंबर ट्वेंटी टू है हमारे पास मोटरसाइकिल, आर, आर मीन्स या, मोटरसाइकिल आर बाइक। ठीक है, तो आप मोटरसाइकिल भी कह सकते हैं या बाइक भी कह सकते हैं। 23 है नोटिस, नोटिस भी हमें पता है कि इत्तलानामा या ऐलान, तो वो कहते हैं कि पहले नोटिस दे दें आप, तो वो तो चीज़ हमें पता है, लेकिन अब कन्फर्मली क्या है कि ऐलान करना हो या इत्तलानामा। 24 है, अच्छा हमें 23 फिर भी देख लेते हैं हम अपने पिक्चर के अंदर के, देखिए ये लिखा हुआ 23 पे, यहाँ पे दिया हुआ है नोटिस लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि बैंक के अंदर देखें नोटिस उन्होंने लिखा हुआ है। एंड 24 हो गया पेवमेंट। ठीक है, पेवमेंट यानी कि फुटपाथ, इसको फुटपाथ को पेवमेंट भी कहा गया है। 24 हम देख लेते हैं, हमारा 24 जो है वो इसके अंदर कहाँ है, ये रहा। ठीक है, 24 ये रहा, 24 फुटपाथ यानी कि पेवमेंट। ओके, नंबर 25 है पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ट्रेन क्रॉसिंग इस मीन ज़ेब्रा क्रॉसिंग, यानी कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग हम लोग अक्सर उर्दू में ही कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और हमें लगता है कि वो इंग्लिश वर्डिंग है, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग जस्ट उर्दू है। एंड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इंग्लिश में कहा जाता है। 26 है पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल स्टेशन तो हमें पता ही है। ठीक है, 27 है क्यू, क्यू यानी कि कतार, उसको हम जो है वो असेंबली भी कहते हैं कि असेंबली स्कूल्स में ऐसे कहते हैं असेंबली लग रही है, यानी कि प्रे वगैरह जो भी है, क्यू कतार। ठीक है, 28 रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट का मतलब तो रेस्टोरेंट ये उर्दू में कहो या इंग्लिश में कहो, और वैसे उन्होंने यहाँ पे जो है वो ताम खाना लिखा हुआ है, तो रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट। 29 है स्कूटर, स्कूटर मीन्स स्कूटर ही है। ओके जी, नंबर 30 है स्टैचू, क्या है स्टैचू यानी कि मूरत या मुजस्सिमा। 30 इसमें कहाँ पे दिया हुआ है हम देख लेते हैं, फिर भी जो वर्डिंग बहुत ज़्यादा इजी है हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कि वो, तो वो मैं आपको पिक्चर में नहीं दिखा रही हूँ, जो थोड़ा सा मतलब नहीं पता चल पा रहा कि किस चीज़ को उन्होंने कहा है, तो वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो नंबर 30 जो है वो मुझे कहीं पर नज़र क्यों नहीं आ रहा है, ये नंबर 30। ठीक है, नंबर 30 ये रहा, तो नंबर 30 यहाँ पे क्या है स्टैचू, यानी कि जो बाहर दिया हुआ है स्टैचू। ओके, 31 है टैक्सी या कैब, हमें पता ही है टैक्सी या कैब तो नॉर्मल ही है। 32 टेलीफोन,
टेलीफोन क्योस्क आर बूथ, यानी कि आप टेलीफोन बूथ नॉर्मली है, ठीक है ना। अगर ये वर्ड हार्ड लग रहा है तो टेलीफोन बूथ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके जी, 33 है ट्रैफिक लाइट्स, ये भी हमें पता है, ठीक है। 34 है ट्रैफिक पुलिसमैन, ये भी हमें पता है। और 35 ट्रैफिक साइन, ठीक है, ये भी हमें पता हैगा। एंड 36 ट्रक या लॉरी, ठीक है, आप ट्रक भी कह सकते हैं और लॉरी भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। तो आज हमारे पास जो है वो वर्डिंग है इंग्लिश उर्दू टू इंग्लिश वर्डिंग विद पिक्चर। तो आई होप आपको इसको सीखने में भी मज़ा आएगा। आपको जो चीज़ नहीं पता होगी कि आखिर ये किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है, तो पिक्चर्स देख के अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि क्या चीज़ है। तो मैं आप लोगों के लिए जो है वो ये लेकर आई हूँ, ठीक है। ये पूरी पिक्चर्स से भरी हुई है विथ वर्डिंग, ओके। तो आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। और अगर आप इजी टू वे वर्डिंग को सीखना चाहते हैं, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट समझना चाहते हैं विद पिक्चर, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको सही प्रोनाउंसिएशन भी दे सकूं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन करेक्शन के लिए जो है आपको एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना पड़ता है, बार बार रिपीट करना पड़ता है, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट हो जाती है। ओके, नाउ टिल द बाय।